अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है बकरा ईद, तो आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं बनाने लगी हूँ शीर खुरमा, जो कि मैं स्पेशली बनाती हूँ ईद पर। तो मैंने बादाम और ये सारे ड्राई फ्रूट्स रात में ही सोख करके रख दिए थे, तो मैं अभी उसका छिलका निकाल रही हूँ बादाम का। और शीर खुरमा के लिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जैसे काजू थे, बादाम थे और चिरौंजी थी, थोड़ा सा मैंने पिस्ता लिया था और थोड़े से लिए थे मैंने मगज़। और आज मैंने छुआरे नहीं डाले हैं, स्किप किए हैं छुआरे, या फिर आप डेट्स भी डाल सकते हैं, तो डेट्स भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने डेट्स भी स्किप किए हैं। और ये था खोया और थोड़ा सा मैंने गोला लिया था। और ये थी सेवैयाँ, जो कि बारीक वाली सेवैयाँ आती हैं, इनको मैंने तोड़ के एक साइड पर रख लिया है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छे से तैयार करके रख लिए हैं, ये देखें, अच्छे से वॉश करके इनको रख लिया है। और ये खोया मैंने एक डिश में निकाल के रखा है और ये मैंने निकाला है देसी घी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ शीर खुरमा। तो उसके लिए मैंने दूध रात में ही मंगवा लिया था और दूध को मैंने अच्छे से बॉईल करके रख दिया था और एक बार फिर से मॉर्निंग में मैंने उसे बॉईल कर लिया था। उससे ये होता है कि दूध के चांसेस होते हैं कभी कभी ख़राब होने के, तो अगर हम बॉईल करते हैं दूध को तो पता चल जाता है कि दूध में कुछ ख़राब होने का कोई डाउट तो नहीं है। तो इसलिए एक बार बॉईल अच्छे से किया है मैंने दूध को काफ़ी अच्छे से, और गैस को लो फ्लेम पर मैंने रखा है। अभी भी दूध को मैं पका रही थी ताकि थोड़ा सा उसका टेक्सचर मुझे क्रीमी करना था, थोड़ा थिक करना था, तो इसलिए मैंने उसे चला के रखा था। और एक साइड पर मैंने पैन या ये जो सेवैयाँ हैं इनको फ्राई कर लिया था घी में, और इनको मैं डालते जाऊँगी। मैं सारे कर्टन्स वगैरह, बेडशीट्स या पिलो कवर्स, जो भी जितनी भी क्लीनिंग होती है उसको शीर खुरमा बनाने के बाद में ही स्टार्ट करती हूँ। जितनी भी क्लीनिंग वाली मेरी चीज़ें होती हैं उनको मैं सबको बाद में ही स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं शीर बनाती हूँ उठ के, ताकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सबसे पहले मैं शीर को बना के फारिग हो जाती हूँ, क्योंकि शीर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और इसमें मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं, ये सारे मैं धीरे धीरे हल्के से फ्राई करने हैं, मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं। और मगज़ मैंने सबसे लास्ट में डाले थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिटकने लगते हैं, तो अभी ये इनको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ घी में। एक साथ फ्राई कर दिया है मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को, और उनको भी मैंने शीर खुरमे में डाल दिया है, दूध में डाल दिया है सॉरी। उसके बाद में मैंने मगज़ फ्राई करने लगी हूँ सबसे लास्ट में, बहुत हल्के से फ्राई किए हैं, इनको भी मैंने डाल दिया है। और ये सब करने के बाद करनी थी मुझे क्लीनिंग, काफ़ी सारी क्लीनिंग मुझे करनी थी अभी, तो इसको मैंने अब एक साइड पर लो फ्लेम करके रख दिया है। देखें थोड़ी सी थिकनेस इसमें आ गई है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है, खोया मैंने डाला था इसलिए चीनी मैंने कम ही रखी है, और थोड़ा सा खोया और मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा इसका टेक्सचर क्रीमी सा हो जाए तब तक मैं इसको चलाऊंगी। इसको चलाते रहने से इसके नीचे लगने की चांसेस नहीं होते हैं, और अजीब सी स्मेल आ जाती है अगर दूध नीचे लगने लगता है। और ये मेरे लिए मुनक्के भिगाए थे मेरे हस्बैंड ने, जो कि मैंने सुबह में सबसे पहले ये खाए थे पानी में से निकाल के, और काफ़ी मोटे मोटे ये मुनक्के हो गए थे तब। और ये रस का पैकेट हम लेकर आए थे कल, हम जैसे ही मार्केट गए थे तो रास्ते में से ये सारा सामान लिया था, तो टोस्ट वगैरह भी फिनिश हो गए थे तो वो उसका भी पैकेट हमने लिया था, और एक केक रस आते हैं वो भी हमने लिए थे, तो उन्हीं को भी मैंने एक डब्बे में भर के रखना था ताकि उनमें मॉइस्चर ना आए। ये देखें टोस्ट को मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दिया है, और उसके बाद केक रस रह गए थे जो कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको भी मुझे एक किसी कंटेनर में भर के रखना था ताकि उनमें मॉइस्चर ना आए। और ये देखें मैं इनको एक कंटेनर में ही डाल रही हूँ, इनको भी मैं इस तरह से करके रख दूँगी। और शीर खुरमे में लास्ट में मैंने डाला था इलायची को कूट के, आपके पास पाउडर अवेलेबल है तो इलायची पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
शीर खुरमे में इलायची का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और अभी हम करने लगे थे नाश्ता, तो ये देखें मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे, और उसके बाद हम नाश्ता करने लगे थे और मैंने कप में दूध ले लिया था और टोस्ट ले लिए थे जो हम लेकर आए थे, केक रस और टोस्ट। और ये शीर खुरमा मेरा बनके हो गया था रेडी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शीर खुरमा बनके रेडी हुआ था। ये देखें शीर खुरमा बन चुका था और ये इस तरह का टेक्सचर इसका हो गया था, क्रीमी सा। और इसको मुझे डिश आउट करना था। ये देखें एक मिनट डिश ले ली है, मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर भी तैयार हुआ था। ईद वाले दिन का शीर खुरमा और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। नाश्ता किए हुए हम अभी हमें थोड़ा टाइम हो चुका था, तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड के लिए शीर खुरमा उनको देने लगी थी। तो ये देखें कितना टेस्टी शीर खुरमा रेडी हो गया है, और मैं डिश आउट करने लगी थी अपने हस्बैंड के लिए। और ये देखें इसके बाद मैंने की थी बहुत सारी क्लीनिंग, जो कि ईद वाले दिन मोस्टली होती है। मैं नाइट में नहीं करती हूँ कि बेडशीट वगैरह, बहुत लोग क्या होता है कि नाइट में सारी चीज़ें करके रख देते हैं, बट मैं सुबह में ही सब चीज़ें करती हूँ, सारी बेडशीट्स वगैरह कर्टन्स वगैरह सब मॉर्निंग के टाइम ही मैं चेंज करती हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा भी रेडी हो गया था, ये जा रहा था अपने फ्रेंड के यहाँ। और फ्रेंड के साथ गया था ये झूला झूलने के लिए, तो इसके पास थे पैसे जो कि ईदी में मिले थे इसे इसके पापा ने, और मैंने दिए थे इसको, और वो चला गया था अपने फ्रेंड के यहाँ। उसके बाद में कुछ देर बाद मैंने बनाया था, ये बनाया था मैंने मटन, जो कि मैंने ऐसे ही सिंपल मसालों के साथ उसको भुना था इस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ था और बहुत जल्दी से बन गया था। ये देखें मैं डिश आउट करने लगी हूँ, और काफ़ी ज़्यादा यमी बना था ये, और ज़्यादा स्पाइसी मैंने इसे नहीं बनाया था, थोड़े से मसालों के साथ ही मैंने इसे कुक किया था, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बनकर तैयार हुआ था। देखें इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, और ये लास्ट में ही डिश आउट करते हुए मैंने थोड़ी सी वीडियो ली थी। इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी मैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और अगर आज की वीडियो आपको मेरी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। When